हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला चिल्ट की टीन नुमा छत तूफान से उड़ गई। हालांकि स्कूल के जो अन्य कमरे हैं वे भी असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज यहां दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चिल्ट प्राथमिक पाठशाला की, जहां पर गत रात्रि तेज तूफान से छत उखड़ गई और दूसरी ओर जो कमरे बने हैं उनको अधिकारियों द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इस पाठशाला में 33 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मानी जाए तो शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। स्कूल का निर्माण लगभग 1967 में हुआ था, साथ में ही दो कमरे और बनाए गए हैं। इस कमरे का निर्माण 2005 में हुआ था। दर्शन पाल, मैं इंचार्ज राजकीय प्राथमिक पाठशाला चिल्ट। यह हमारी जो पाठशाला है वो 1967 में स्थापित किया गया है। इसका निर्माण 1967 में हुआ है। हमारे पास दो कमरे जो हैं वो 2005 में बने थे, और ये कमरा जो था वो 1967 से बना हुआ है। कल भारी तूफान आने से ये जो है टीन जो उड़ गई है, और बच्चों को जो है उसमें जो है पानी टपकता है, छतों से पानी टपकता है। बच्चों को बिठाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कमरे नहीं हैं। हमारे पास एक कमरा है, उसमें स्कूल का जो है रिकॉर्ड रखा गया है, तो उस मानसी कमरे में है। 2021 में SDM स्वर्गघाट ने हमारी पाठशाला का निरीक्षण किया था, और उन्होंने जो है इनको जो है अनसेफ घोषित किया गया है और बच्चों को वहाँ पर ना बैठाने के लिए कहा गया है। हमारे पास जो है वो 27 बच्चे प्राइमरी में हैं और 6 बच्चे जो है वो प्री प्राइमरी में हैं, तो कुल बच्चे हमारे पास 33 बच्चे हैं। तो हमने SMC के माध्यम से भी कई प्रस्ताव जो है वो अपने विभाग को भेजे हैं, लेकिन उन कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। और विभाग से मेरा पुनः फिर अनुरोध है कि वो हमारी इस जो है करें, ताकि हम बच्चों को जो है वो सुचारू। और कल तूफान से तीन के पतरे जो है उठ चुके हैं। यहाँ स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, अगर इन बच्चे को छत उड़ जाती है, इन बच्चों का कौन जिम्मेदार है? सरकार के पास 20 दफा एस्टीमेट दे चुकी है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। एंस्टा न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।